three, four. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग टाइम और मैं उठी हूँ 4 बजे। उसके रीज़न 2 हैं जो मैं बताऊँगी आपको बाद में। फ़िलहाल लगते हैं काम पे, क्योंकि आज है प्रेयसी माही का सैफ कंपटीशन, दोनों का इकट्ठा है मतलब। तो मुझे चाहिए एप्रन। एक्चुअली मेरे पास एप्रन है, बट वो है कलरफुल में। तो मुझे ना मेन, आपको जैसा कि पता है वाइट होते हैं, तो मुझे ना वाइट चाहिए। और मुझे कल बना लेना चाहिए था, बट कल मेरे दिमाग से बिल्कुल ही स्किप हो गया। तो अभी ना फ़िलहाल मैं जल्दी से कटिंग करती हूँ एप्रन की, दोनों की, और पहले बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये है मेरे पास वाइट कलर का फैब्रिक और अभी मैं कटिंग करूँगी एप्रन की। तो इसे मैंने इस हिसाब से फोल्ड किया है ताकि दोनों ही एप्रन इकट्ठे कट जाएं। तो गाइज, ये मैंने स्टिचिंग शुरू कर दिया है, इसे अब मैं सिल लेती हूँ फटाफट। उसके बाद जाना है किचन में। और ये ना, मैंने रेड कलर के फैब्रिक से मास्टर सैफ भी लिखा है। और ये देखिए, ये वेयर करके दिखा रही है माही। वैसे ये प्रेयसी का है, माही का दूसरा है। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में और लंच की तैयारी कर रही हूँ। और आज ना लंच के साथ साथ बहुत सारे काम है, क्योंकि जो प्रेयसी और माही को बनाना है स्कूल में, जो भी डिश बनानी है उसकी भी मुझे प्रेपरेशन करनी है। तो इसलिए फ़िलहाल मैं लंच बना के साइड में कर रही हूँ, फिर मैं करूँगी उसकी प्रेपरेशन। और फिलहाल तो वानू भी उठ के आ गई है। हाँ, मतलब मैं उठी 4 बजे, मेरे कोई 5 या 10 मिनट बाद ही ये उठ गई थी। और माही भी, ये बन रही है सब्जी जो कि मुझे लंच में पैक करके देनी है प्रेयसी और माही को। और ये मैं प्रेयसी को ये पुडिंग बनाने वाली है एक्चुअली, तो उसके लिए मैं इसको बिस्किट का पाउडर बना के देने वाली हूँ। तो वो कप पीस रही हूँ मैं। और ये माही बनाने वाली है हेल्दी सैलेड, तो उसके लिए मैं कट कर रही हूँ ये वेजिटेबल्स। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जल्दी जल्दी में मैं सूप नहीं कर पाई थी। ये मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के साथ ना आज हम ये खाने वाले हैं सैलेड। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं है, किसी ने सच बनाई है। पिछले कुछ दिनों से ना इसकी प्रेयसी की तबीयत खराब चल रही है, तो मैं डॉक्टर की दवाइयों के साथ ना इसकी होम रेमेडीज़ वाली जो मेडिसिन होती हैं वो भी इसके साथ चला रही हूँ। क्योंकि प्रॉपर डॉक्टर की दवाई से इसको आराम नहीं हो रहा था, और जब से मैंने घर वाली दवाइयाँ शुरू की हैं तो इसको आराम हो रहा है। और ये पीने में ये बड़े नाटक करती है। तो अब ये देखिए, मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, इसको ना आराम से ये पी नहीं रही थी, तो इस तरीके से अब मैं इसको ज़बरदस्ती करके ये दवाई पिला दूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मिल रहे हैं इवनिंग में, और ये देखो प्रेयसी स्कूल से आने के बाद इसको हो गया है फीवर। आज जैसे कि आपने देखा, आज था इसका सैफ कॉम्पिटिशन। सुबह से इतनी एक्साइटेड थी कि इसको जब वापस आई है तो इसको फीवर के साथ ये वापस आई है। अभी आज पता है, इन्होंने इतने गलत टाइम पे रखा है स्कूल वालों ने ये कॉम्पिटिशन। कल इसका पेपर है, मीन्स जब से आई है ना स्कूल से तब से पढ़ाई की जा रही है। इसका क्या है, फीवर हो गया है, इसलिए मैंने इसको ट्यूशन भी नहीं भेजा है, क्योंकि आजकल ना वायरल बहुत चल रहा है, तो दूसरे बच्चों को भी होने का डर है। और फिलहाल ये कर रही है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। और जब जब एग्ज़ाम होता है ना, फिर मैं इनको कुछ कुछ और स्पेशल बना के खिलाती हूँ एक दिन पहले स्टार्टिंग पे, डेली वाले में नहीं। तो अभी मैं इसको पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। तो पहले मैं इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा दूँ। और कल है इसका
फर्स्ट एग्जाम और माही का भी, माही का आई थिंक इंग्लिश का है, वो तो ट्यूशन गई हुई है। और ये पता नहीं इसका ना, जब जब एग्जाम होते हैं ना, ये थोड़ा बहुत तो बीमार होती है, इसका पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, हमेशा है इसका, जब जब एग्जाम होंगे बीमार इसको होना ही है। थोड़ी ना होती बीमार, मेरा शरीर होता है। अच्छा पर बीमार तो तू ही होती है ना, शरीर तो तेरा ही है ना। फ्रेंड्स मैंने ना काफ़ी हद तक इसकी प्रेपरेशन करा दी है, और अभी मैं इससे कुछ पूछ के देखूंगी, और ताकि मुझे भी पता चले कितना इससे लर्न हुआ है। तो प्रेसी बताओ, यूजिंग कंट्रोल पैनल, सिस्टम और सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स, यूजर अकाउंट्स, एप्रियंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक एंड रीजन। फ्रेंड्स अभी मैं इससे कुछ और क्वेश्चंस करूंगी। फुल फॉर्म्स, प्रेसी बताओ WWW की फुल फॉर्म, WWW की वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। URL की फुल फॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ISP की फुल फॉर्म बताओ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फ्रेंड्स काफ़ी हद तक इसकी तैयारी हो चुकी है, और जो भी मैंने इससे क्वेश्चन किया था इसने सही से आंसर भी किया है, बाकी तो अब रिजल्ट पे पता चलेगा, क्योंकि अब रात में, बस रात की ही बात है, सुबह तो इसका एग्ज़ाम है ही। फ्रेंड्स फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे डिनर की तैयारी चल रही है। आज मैं बनाने वाली हूँ प्रेसी माई का फेवरेट मटर पनीर। यहाँ पे मैं थोड़ा पनीर को घी में फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स जब जब एग्ज़ाम होते हैं ना बच्चों के, हम एग्ज़ाम को ना एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, ताकि बच्चों का मूड अच्छा रहे और पढ़ाई में बोरियत महसूस ना हो। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ दोनों की ही पसंद का खाना बनाऊँ, और इसको अच्छा खिला खिला के आराम से खूब सारी पढ़ाई कराऊँ। तो गाइस लाइन में वानी भी लगी हुई है, वो भी अपना प्लेट दिखाने वाली है। मटर पनीर और चटनी, ये जो मेरी फेवरेट है। फ्रेंड्स आज सुबह हमारा फेवरेट खाना से मिला है, तो ये वानू भी खाना खा रही है ना। वानू दिखाओ, वानू क्या खा ली है। ये है वानू की प्लेट। खाना कैसा है? यम यम, ठीक है आप फिनिश कर लो। ओके मैं खिलाऊं आपको, मेरे साथ नहीं। फिलहाल प्रेसी माही सोने जा चुके हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, एक बारी रिवीजन और करवाना है उन्हें। और ये ब्लॉग मैं करूंगी यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।